सुंदरनगर के कांगो में एडीसी मंडी आशुतोष गर्ग के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बालिका गौरव उद्यान कार्यक्रम के तहत एक बूटा बेटी के नाम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के पूरे प्रदेश में लगभग 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने बेटियों को बधाई दी। इसके पश्चात सिलपाटी तत्तापानी सड़क के लिए PWD सब डिविजन का शुभारम्भ भी किया गया। सुंदरनगर के कांगो में एडीसी मंडी आशुतोष गर्ग के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बालिका गौरव उद्यान कार्यक्रम के तहत एक बूटा बेटी के नाम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के पूरे प्रदेश में लगभग 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने बेटियों को बधाई दी। इसके पश्चात सलपट तत्तापानी सड़क के लिए PWD सब डिवीजन का शुभारंभ भी किया गया। इस मौके पर विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि इस सड़क के बनने से दुर्गम पंचायतें लाभान्वित होंगी और सड़कों के माध्यम से मुख्यालय तक पहुंचने में सुविधा होगी। सबका विकास सबका साथ जयराम ठाकुर सरकार का एक ही लक्ष्य लेकर चली है, जिसे पूरा किया जाएगा। उसके लिए भारत सरकार ने आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से 5, 10, 20, 50 करोड़ नहीं 220 करोड़ रुपया जो है वो भारत सरकार से मंजूर हुआ है। इसके लिए स्पेशल ये सब डिविजन PWD का यहां पर खोला गया है। आप कल्पना करें कि हिमाचल प्रदेश में CRN में किसी सड़क के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आज तक का है, 220 करोड़ रुपया मात्र एक सड़क के लिए भारत सरकार से मंजूरी हमको मिली। मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया कि जब मुख्यमंत्री जी के साथ मैं दिल्ली केंद्रीय मंत्री जी से मिलने गया, नितिन गडकरी जी हंसने लगे, मुख्यमंत्री जी को कहने लगे कि 300 करोड़ रुपया मैंने CRF में पूरे प्रदेश को देना है, आप एक श्रीमान विधायक के लिए 220 करोड़ रुपया एक सड़क के लिए मांग रहे हैं, ये कैसे संभव होगा। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से पक्की बात की थी कि मेरी ये सलापड़ से तत्तापानी की सड़क ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, इसमें दुर्गम क्षेत्र भी आता है, इसमें हमारा जो धार्मिक आस्था का केंद्र है तत्तापानी, जहां हम संक्रांति के दिन वैसे भी हम लोग वहां गर्म पानी के चश्मे हैं, वहां पर हम स्नान करने के लिए भी जाते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।